फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांटेड टू थैंक पीएम मोदी। जो पीएम मोदी ने डिसीजन लिया है वो बहुत अच्छा है और मैं उससे पूरी तरीके से सहमत हूँ, क्योंकि हेल्थ ही हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है और उन्होंने हमारी हेल्थ को देख के ये डिसीजन लिया है, तो मैं बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहूंगी। और मेरा सवाल ये है मैम कि एज वी ऑल नो कि हम कॉलेज में जाने वाले हैं, और कॉलेज में जाने के लिए एक एंट्रेंस एग्जाम होता है, तो मैम उस एंट्रेंस एग्जाम को तो हम देंगे ही, क्या इसके अलावा हम और कोई एडिशनल इंटरव्यू या फिर पेपर देंगे? ठीक है, आपके सवाल आगे किस तरह से एडमिशन्स की प्रक्रिया रहेगी उसको लेकर है। इस पर मैं अपने गेस्ट से जवाब दूंगी। मोहिनी हमारे साथ हैं जी। मोहिनी अपना सवाल पूछिए। मैं बोलने वाला हूँ, पापा जा रहे हैं। अपूर्व आप पूछिए अपना सवाल। अपूर्व मिश्रा जी, ऑडियो ऑन करिए। अपूर्व सवाल पूछिए। जी मैम, पहले तो हम अपने प्राइम मिनिस्टर को थैंक यू कहना चाहेंगे। उसके बाद मैम, मेरा क्वेश्चन ये है कि जिन बच्चों ने इस ईयर बहुत अच्छे से प्रिपरेशन की है एग्जाम की, जिन्होंने इस कोविड के समय का अच्छे से उपयोग किया है, जिन्होंने अपने पढ़ाई के लिए बहुत ध्यान दिया है, उन बच्चों के लिए क्या किया जाएगा? सरकार उनके लिए क्या करेगी जिससे कि हम जिन्होंने तैयारी की है उसके लिए कोई ऑनलाइन एग्जाम किया जाएगा, कोई इंटरनल एग्जाम लिया जाएगा, उनके लिए सरकार ने क्या करा है जो इस पूरे ईयर में अच्छे से जिन्होंने प्रिपरेशन की है एग्जाम की? थैंक यू मैम। ठीक है, नेहा शांतला हमारे साथ और हैं जी। नेहा अपना सवाल पूछिए। नेहा सांखला मैम, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी पूछिए नेहा, हम सुन पा रहे हैं मैम, आपको। मेरा सवाल यहाँ पे ये है कि हमारे आरबीएससी बोर्ड में अभी तक कोई ना सूचना नहीं दी गई है कि बोर्ड एग्जाम होगी या नहीं होगी। अगर हमारी बोर्ड एग्जाम नहीं होती है तो आगे हमारे जाके क्या होगा? अगर हम कोई जॉब वॉब में करते तो वहां पे 10th की मार्कशीट मांगी जाती है, तो वहां पे हमारा क्या होगा? ठीक है, इन सभी सवालों को अगर मैं क्लब करके इस वक्त आनंद जी आपके पास आऊं, तो देखिए हर बच्चा जो अपनी तैयारी करता है एग्जाम्स की, अलग स्ट्रैटेजी के साथ तैयारी करता है। कुछ बच्चे शुरुआत में ज्यादा पढ़ते हैं या थ्रू आउट ईयर ज्यादा पढ़ते हैं, कुछ बच्चे उस टाइम को डिवाइड करके परीक्षाओं के अंत के जो 4 महीने होते हैं उस समय ज्यादा तैयारी करते हैं। लेकिन जब अब अचानक से परीक्षा रद्द होने का ही फैसला हो जाता है या मूल्यांकन अब इंटरनल असेसमेंट इन सब पे आधारित रहेगा, तो उनके लिए तो ये एक बड़ा चैलेंजिंग समय है। फिर ये बात सच है कि बड़ा चुनौतीपूर्ण ठीक है समय आनंद जी, मैं आपके पास एक सेकंड में आ रही हूँ। हमारे पास एक बड़ी खबर आ रही है मध्य प्रदेश से भी। देखिए, मध्य प्रदेश सरकार ने फैसला ले लिया है, 12वीं के बोर्ड एग्जाम मध्य प्रदेश में भी रद्द कर दिए गए हैं। शिवराज सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया और ये फैसला इसलिए अहम है क्योंकि कल जब प्रधानमंत्री ने एक बैठक की अहम जिसमें 12th के बोर्ड एग्जाम सीबीएसई में रद्द करने का फैसला हुआ, उसके बाद स्टेट्स भी राज्य भी अपने अपने हिसाब से फैसला ले रहे हैं। गुजरात में एग्जाम रद्द हो गए हैं, अब मध्य प्रदेश से भी यह खबर सामने आ रही है। राजस्थान सरकार भी इस पर आज ही फैसला करने के मूड में है। इंतजार रहेगा उत्तर प्रदेश और राजस्थान से भी क्या तस्वीर सामने आती है। लेकिन यहां से अब बड़ी जो बात निकल कर आती है कि पेपर अगर कैंसिल हो रहे हैं तो फिर दूसरा विकल्प क्या है, उसके लिए क्या प्रक्रिया आगे रहेगी? जी आनंद जी। हाँ, ये तो मैं बता रहा था कि अभी चैलेंजेस तो बच्चों के सामने है। थोड़ी राहत है कि जो कोविड से डर रहे थे, जो स्थितियां खराब हो रही थी, वो तो बच गई, अच्छी बात है। लेकिन बच्चों को कभी निराश और उदास नहीं होना चाहिए। जैसे बच्चों का मैं अभी मैं प्रश्न सुन रहा था तो था कि भाई आगे की जिंदगी कैसी होगी। तो देखो बच्चों, अगर आपको इंजीनियरिंग की तैयारी करनी है, इंजीनियरिंग कॉलेज में जाना, उसके लिए भी जेईई मेन देना है। अगर आपको आईआईटी में जाना है तो एडवांस देना है। मेडिकल कॉलेज के लिए भी अपनी परीक्षा नीट है, वकालत पढ़ने के लिए भी अपनी परीक्षा है। तो हर परीक्षाएं पर आधारित होती है अच्छे कॉलेज में प्रवेश। इसलिए आप डरिए नहीं, आप जो मेहनत किया है उसका फल मीठा मिलेगा। हमारे पिताजी कहते थे, हम बच्चों को समझाते हैं कि मेहनत का फल कभी भी मिलता है और मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, इस बात को हमेशा याद रखिएगा। तो अभी जो वक्त है वो धैर्य बनाए रखने की,
अभी कुछ बच्चों ने पूछा, हमारे पास ईमेल आ रहे हैं कि सर मैं बाहर के कंट्री में पढ़ने के लिए जाना चाहता था। तो बच्चों ऐसा है कि बाहर के कंट्री में जाने के लिए सिर्फ मार्क्स की जरूरत नहीं होती है, सैट की जरूरत होती है, लेटर रिकमेंडेशन के होते हैं, आपके पहले कैसे रिकॉर्ड हुए हैं, आप क्या क्रिएटिव कुछ किया, तो बहुत चीजों पर डिपेंड करता है। इसलिए चिंता नहीं करें। और आगे जब नौकरी की, एक अभी बच्ची सवाल पूछी कि नौकरी की बात होगी तो सरकार पेंशन करेगी सरकारी नौकरियों में, और प्राइवेट फर्म भी करेंगे, कि भाई ये तो 2021 का मामला है, 20 का मामला है, जब कभी जब जब ऐसी स्थितियां बनी है उस साल का मामला है जब कोविड था, उसके लिए कोई ना कोई व्यवस्था की जाएगी। और आखिरी में इस सवाल के जवाब में मैं कहना चाहूंगा कि बच्चों आप लोग घबराए नहीं, सरकार अच्छा ही करेगी। जैसे क्या हुआ था पिछले कुछ साल पहले, अलग अलग स्टेट बोर्ड्स के पास से उसके आधार पर नॉर्मलाइजेशन का एक फॉर्मूला बना रहा था गवर्नमेंट को एडवांस में बच्चों के एंट्रेंस के लिए, तो सरकार भी बहुत पजल्स थी, विभाग भी पजल्स था, IIT भी पजल्स था। तब उसको क्या किया गया कि इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट को दिया गया, उसको दी गई जिम्मेवारी कि आप इसका एक फार्मूला बनाइए, तो बहुत अच्छा फार्मूला बनाता और सब लोग सेटिस्फाइड थे। तो सब स्टेट गवर्नमेंट मिल के, इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट हो गया, कई तमाम संस्थाएं मिल के, IIT, सब लोग मिलके कोई ना कोई फार्मूला बनाएंगे जो आपके पक्ष में।